थोरैसिक केज के अंतर्गत टोटल 25 बोन्स होती हैं, जो कि दो पार्ट में होती हैं, रिब्स या पसलियां, दूसरा है स्टर्नम। सबसे पहले हम रिब्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद स्टर्नम की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने स्कल पार्ट की टोटल 29 बोन्स के बारे में जाना। सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी या चैनल पर भी जाकर आप देख सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये टोटल 24 बोन्स होती हैं, दोनों साइड 12-12 के जोड़े में होती है, यानी कि टोटल 24 बोन होती हैं। अब इन्हीं 24 बोन को तीन अलग अलग भागों में बांटा गया है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। सबसे पहले बात करते हैं ट्रू रिब्स क्या है। जो बोन वर्टेब्रा से निकलकर डायरेक्ट स्टर्नम बोन से जाकर जुड़ती है, ये एक साइड 7 और एक साइड 7, दोनों मिलाकर ये 14 बोन्स होती हैं, जिसे ट्रू रिब्स कहते हैं। इसे T1, T2, T3, T4, T5, T6 एंड T7 के नाम से जानते हैं। फॉल्स रिब्स वो रिब्स हैं जो वर्टेब्रा से निकलकर डायरेक्ट स्टर्नम से जाकर नहीं जुड़ती, बल्कि ये ट्रू रिब्स नंबर 7 यानी कि T7 से जाकर जुड़ती है। T7 के बाद निकलने वाली तीन रिब्स यानी कि 8, 9 और 10, एक साइड 3 और एक साइड 3, दोनों मिलाकर 6 रिब्स होती हैं, जिसे फॉल्स रिब्स कहते हैं। फ्लोटिंग रिब्स वर्टेब्रा से निकलकर किसी भी रिब्स से नहीं जुड़ती और ना ही ये स्टर्नम से जाकर जुड़ती है, ये अपने आप में ही फ्री होती है। रिब्स 10 के बाद दोनों साइड 2-2 रिब्स निकली होती है, जो कुल 4 रिब्स होती है, जिसे फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं या इसे फ्री रिब्स भी कहते हैं। स्टर्नम बोन ये एक बोन होती है, सिंगल बोन होती है, इसे चेस्ट की बोन भी कहते हैं। ये टाइनोमा आकार की होती है, इसलिए इसे टाई बोन भी कहते हैं। जो रिब्स होती है इसी स्टर्नम बोन से आकर जुड़ती है और एक पिंजरानोमा आकार बनाती है, जिसमें हमारे बॉडी के ऑर्गन्स जैसे हार्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट सेफ रहते हैं। तो 24 रिब्स और एक स्टर्नम बोन को मिलाकर थोरैसिक केज की 25 बोन्स के बारे में हमने जाना। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।